আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজা বীর বিক্রমের 111তম জন্মদিবস। তো ওই উপলক্ষে আমরা প্রতি বছরই মহারাজা জন্মদিবসে র্যালি এবং সামাজিক অনুষ্ঠান আমরা করি। তো এই বছরও আমাদের ওই অঙ্গ হিসেবে আপনাদের র্যালি সামনে আইতেছে অলরেডি এখানে। তারপরে আমরা রাজবাড়ির সামনে যাওয়ার পর মহারাজার মূর্তিতে আমরা মাল্যদান করব। তারপর দুপুরবেলা 11টা নাগাদ স্টুডেন্ট যারা গত বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন পাস করলো তাদেরকে আমরা মোমেন্টো এবং সার্টিফিকেট দেবো। তারপর হ্যাপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন আমরা বিনামূল্যে গার্জিয়ান সহকারে ছাত্রছাত্রীদের আজকে দিলে। মহারাজা বীর বিক্রম মানে কি, জেসে কি সবকো পতা হ্যায় বহুত এক ভিশনারি রুলার থে অর উনকা জো সোচ থা ত্রিপুরা কে লিয়ে ও থা কি ত্রিপুরা হর রাজ্য কে সে আগে বড়ে और हर फील्ड में डेवलपमेंट में आगे बढ़े। तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य का जो मैसेज वो दिन था वो आज भी सही है। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ने जो कुछ किया है त्रिपुरा के लिए मॉडर्नाइजेशन जो आप हम लोग देखते हैं ये सब उनके समय की हम लोग ने जो भी आर्किटेक्चर है वो हम लोग देख रहे हैं। उनका जो एजुकेशनल सिस्टम था MBB कॉलेज विद्यापाटन है उसको छोड़ के धर्मनगर में भी वीर विक्रम धर्म जो इंस्टीट्यूशन है फिर उसको भी छोड़ के जैसा आपका मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन आया फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स जिसने वर्ल्ड वॉर में फाइट किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अगरतला टाउनशिप मॉडर्नाइजेशन और सोशल रिफॉर्म्स अलग अलग क्षेत्र में और रिजर्व्ड एरिया जो अभी ADC एरिया कहलाती है ये सब महाराजा वीर विक्रम ने किया उन ज़माने में जबकि कम्युनिकेशन खराब थी और जब त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट किंगडम था तो महाराज ने इतना कुछ किया उस ज़माने में इतने कंस्ट्रेंट्स के बावजूद इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद और हम अभी यही याद करना चाहते हैं कि उन्होंने कितना इतना कुछ कंट्रीब्यूशन किया था हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करें त्रिपुरा में और बिना कोई भेदभाव के जाति धर्म ये सब को छोड़ के हम लोग भी एक साथ मिल के जैसा महाराज के टाइम में सब लोग मिलजुल के काम करते थे त्रिपुरा के हित के लिए त्रिपुरा को बढ़ाने के लिए आज भी हम लोग वही रास्ता चलना चाहते हैं और ये महाराजा वीर विक्रम माणिक्य का मैसेज उस जमाने में भी था आज भी है। ABC, so just